सोमवार को देशभर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मतदान किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष बीजेपी के 45, कांग्रेस के 22 और माकपा के एक विधायक ने मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत उम्मीदवार की जीत निश्चित है। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान कर बाहर आई मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत का दावा किया है। वहीं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने भी विपक्ष के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर ही विधानसभा लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर पर कराए जाने चाहिए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।